हाय लिसनर, क्या बात है, कुछ उकड़ा उकड़ा सा लग रहा है तू यार। आज हुआ क्या? ये तो बोल यार। क्या बताऊँ यार, आज सुबह सुबह मैंने आशिकी 2 मूवी का हम मर जाएंगे वाला गाना सुन लिया यार। तभी से लेकर दिमाग का सत्यानाश हो पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। क्यों भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो बहुत बिंदास गाना है। अपनी आंखें खाली करके काश तू मेरी आंखें भर दे, हाय हाय। अबे भोसड़ी, के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उसी लाइन में है। मुझे मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी लाइन में लग रही है मुझे। कुछ समझ में नहीं आई वो लाइन। क्यों, ऐसा क्या है उस लाइन में? अरे कितना सिंपल सा लाइन है यार, इतना प्यार छुपा है उस लाइन में, तुम्हें इसमें इतना प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ गई? अबे उल्लू के पट्टे, पहले तो तुम मुझे ये बता, अपनी आँखें खाली करके काश तू मेरी आँखें भर दे, इसका मतलब क्या है? मैं उसकी आँखें भरूँ? क्या उसकी आंखें कोई डस्टबिन है, या फिर कोई टाटा कंपनी का ट्रक जो मैं उसकी आंखों में कुछ भर दूँ? और भोसड़ी के, मेरे आंखों में क्या कोई बाबा आदम के ज़माने की खजाना छुपा हुआ है जो मैं अपने आंखों से उसकी आंखों में भर दूँ? मतलब ये क्या बात है, मतलब कुछ कहना चाहिए था ना कि वो भरो वो भरो, मतलब मैं भरूँ तो क्या भरूँ? ओह आई सी, पॉइंट है यार तेरे बात में। अच्छा अगर पहली लाइन में प्रॉब्लम है, दूसरी लाइन में क्या प्रॉब्लम है ये तो बता। मेरे यारा, तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है ये तू मुझे बता रहा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, इस गाने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर कोई जीनियस आदमी इस गाने को समझना चाहे ना, वो भी नहीं समझ सकता। अभी तूने जैसे कि मुझे पूछ, मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम हम सवर जाएंगे, अभी पहले तो तू मुझे ये बता, जहाँ पूरी दुनिया भगवान को अनवांटेड मैसेज किए जा रहे हैं कि उन्हें खुश रखे, उन्हें खुश रखे, भगवान खुशी दो हमें, ऊपर से ये लड़की ये मांग रही है कि उसे गम चाहिए। मतलब यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। क्या ये कोई इंसान है? अरे मुझे तो नहीं लगता ये कोई इंसान है यार। इसे कोई पीके का रिमोट वाला ला दो यार, और इसे पीके के साथ भेज दो, वहीं पर भेज दो यार। हाँ यार लेसनर, तेरे बात में तो बहुत पॉइंट है यार, मैंने तो सोचा ही नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा दो लाइन में मिस्टेक निकली, अभी उसके बाद तो थोड़ा सा तो गाना बचा हुआ है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आई तेरे को ये बता तू मेरे को। अबे भड़वे, मैंने तुझे कहा ना इस गाने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी इससे आगे वाला लाइन क्या है? जब तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे हम मर जाएंगे। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है लिसनर? अरे तू समझ यार, अगर उसे मरना ही था तो मेरी आंख अनलोड क्यों करवाई? या फिर क्या मैं उसे कोई कूली दिखता हूँ जो अनलोड अपलोड करवाती जाएगी? और अगर उस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर की जगह मैं होता ना, तो मैडम जी मैं तो तुम्हें अपना गम कभी नहीं देने वाला, कभी नहीं। क्योंकि यार मैं कोई खूनी नहीं बनना चाहता, कोई खूनी दरिंदा तो नहीं बनना चाहता बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो अपना गम दे दो, ऊपर से आँख अनलोड करो, अपलोड करो, लोडिंग करो, ट्रक चलाओ, क्या 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 करो, ऊपर से तुम्हारे खून की चक्कर में मुझे फांसी हो जाए और मैं मर जाऊँ, तो मैं तो तुम्हें अपना गम नहीं देने वाला यार। मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये जो गाना जो है ना, ये कोई देश की मतलब माँ तुझे सलाम वाली मूवी में ये गाना अगर होता तो चलता, लेकिन ये कैसा गाना है यार, ये तो बड़े बड़े जीनियस भी नहीं समझ पाएंगे इस गाने को। मतलब कैसा गाना है यार ये, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने जितना समझा मुझे लगता है यस आई एम इंटेलिजेंट। यस ब्रो यू आर इंटेलिजेंट, यस यस। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, कोई नहीं कोई नहीं, मेरे साथ इसी तरह रह कर तू भी मेरे तरह इंटेलिजेंट बन जाएगा। और जो जो मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई लोग, और लाइक का बटन दबा दो जल्दी।